हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गौरव वीडियोस में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे GTA San Andreas सिर्फ 410 MB में इंस्टॉल कर सकते हैं फुल गेम। और मैं ये सेटिंग आपको बता दूंगा जिससे आपका गेम हैंग भी नहीं करेगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको ये मैं बता दूँ कि सिर्फ जो जिनका डिवाइस में माली वर्जन है उन्हीं के में आपको कैसे पता करना है कि आपका माली है या VR है ऐसा कुछ। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर अपना ओपन करें और वहाँ पे सर्च करें GPU सर्च कर दें। तो देखिए सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको लोकेट करा देता हूँ। लोकेट ये देखिए जो आपका है CPU Z, इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। ये देखिए इस तरह इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। बस ये आपका ज़्यादा महंगा ऐप नहीं है, सिर्फ 2 MB का ऐप है। आपको ज़्यादा इसके लिए जगह नहीं चाहिए होती, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा, बस 2-3 सेकंड में हो जाएगा आपका ये। देखिए अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आप हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। ये देखिए इस तरह की, तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये GPU रेंडर, यही आपका होगा। अगर आपके में VR है तो आप रहने दीजिए वीडियो, अगर आपका देखने के लिए रहने दीजिए। अगर आपका VR या कुछ और है, अगर आपका माली है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप GTA San Andreas 410 MB इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे लिंक में मेरा मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डाउनलोड की लिंक। चलिए आपके में वो सब डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ZArchiver। ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे आपका वो डाउनलोड हुआ होगा वहाँ पे आपको ये देखना होगा। जैसे मेरा ही इसी डाउनलोड्स में है, मैं यहीं से देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ऐप मिलेगा, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐप है इसका। सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैंने इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको ये आपको दिख रहा है यहाँ पे GTA माली एंड्रो गेमर की जो है, देखिए 410 MB के मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉन्ग टच, हाँ ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 410 MB की फाइल ये है जो, यही आपको इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट मतलब करनी होगी। तो आप इस पर क्लिक करें, फिर एक्सट्रैक्ट हियर ये जो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये देखिए आपकी एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो ये दिख रहा है कीपिंग द स्क्रीन टर्न ऑन, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोन छोड़ देना है, मतलब आप इसको छोड़ दीजिए, कोई और काम करिए, देखिए TV जो भी आप करना करिए। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो इस वीडियो से। तो देखिए हमारी ये एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है आपका स्टोरेज कम हो तो ये आपके में भी ये भी दिख गया है स्टोरेज स्पेस रनिंग एंड ये सब। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस फाइल को कट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कट का ऑप्शन, ये देखिए जो आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। फिर डिवाइस मेमोरी में जाना होगा, फिर एंड्रॉयड में जाना होगा, डाटा में जाना होगा और बस आपको इस बटन पे क्लिक कर देना होगा। ये इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ पे फाइल आ जाएगी। उसके बाद सिंपली तो आपको कुछ नहीं करना है, इस रिसेंट चीज को हटा दीजिए और बस अपना जाके GTA San Andreas जो आप San Andreas जो आपने ऐप इंस्टॉल किया था उसको ओपन करिए। उसके बाद देखिए ये कुछ आ गया है, लगता है मेरा स्पेस रनिंग आउट हो चुका है इसलिए मेरे में नहीं खुल रहा है। आपको बस कुछ करना नहीं होगा, बस आपको गेम को ओपन करना होगा और बस आपको गेम ओपन होने के बाद ऑफलाइन भी क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टार्ट गेम, न्यू गेम पर जाइए चाहे लोड गेम पर जाइए, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा।
शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ये खुद अपनाई वीडियो है। कुछ गलती की वजह से शायद ये मेरी वीडियो चल नहीं रही, शायद डबल स्ट्रैक्टिंग की वजह से या फिर ये स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की वजह से इस तरह से कुछ चल नहीं रही होगी। मगर आप यही सब मेरे स्टेप्स फॉलो करिएगा तो आपके में ये गेम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। देखिए दोस्तों, हमारा ये चलने लगा है, आपको मैंने पहले बताया था नहीं चल रहा है। मैं इसमें जिंदगी हमारा अब स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट हट गया है। मैंने इसको डबल बार कर दिया तो मेरा स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था। अब देखिए जी, मैंने एक बार अनइंस्टॉल किया ऐप को, उसके बाद फिर से इंस्टॉल किया और वही सब स्टेप्स किए। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद स्टार्ट गेम पे जाइए, चाहे अपलोड गेम पे जाइए, चाहे न्यू गेम पे जाइए, ये सारे सपोर्ट है। मतलब ये फुल गेम है तो इसमें आपको कोई भी ब्लैक नहीं दिखाएगा। हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, गेम को स्किप कर रहे हैं। ये देखिए हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे